साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश के यशस्वी गृहमंत्री अमित शाह साहब 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए। यहां माननीय गृहमंत्री जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने समाज के अलग अलग वर्गों से बातचीत की। गृहमंत्री जी ने जम्मू संभाग के अंदर हो या कश्मीर घाटी के अंदर समाज के अलग अलग वर्गों के जो प्रतिनिधि थे उनसे मुलाकात की और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो जरूरी कदम उठाने हैं उसके दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं माननीय गृह मंत्री जी के इस दौरे के दौरान 2 बड़ी जनसभाओं को आयोजित किया गया था, जिसमें एक जनसभा सीमावर्ती क्षेत्र रजौरी के अंदर रखी गई, जो रजौरी के अंदर रैली हुई, जिसमें पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, मंजाकोट, थनामंडी, दरहाल, कोटरंका, बुद्धल, ढांगरी, मुरादपुर, डूंगी, चिंगस, नौशहरा, सुंदरवानी, कालाकोट, बुद्धल और मोगला त्रयाट क्षेत्रों से लाखों की तादाद में एक जन सैलाब रजौरी की उस रैली में उमड़ कर आया और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का जिस प्रकार रजौरी की रैली में भव्य स्वागत हुआ, अपने आप में ये एक बहुत ऐतिहासिक क्षण थे, ऐतिहासिक पल थे। वहीं माननीय गृह मंत्री जी ने कश्मीर के अंदर जो बारामूला के अंदर जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उत्तरी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा और डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के अधिकांश, इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग उस रैली में बढ़ चढ़कर आए। और यह भी एक ऐतिहासिक रैली कश्मीर के इतिहास में लिखी जाएगी, जिसमें हजारों की तादाद में जन सैलाब उमड़ कर आया। जितना जन सैलाब रैली ग्राउंड के अंदर था उससे 2 गुना लोग सड़क के बाहर थे, जो कि उस रैली में अंदर जगह न होने के कारण से बाहर से ही छतों से, पहाड़ों से उस रैली का दृश्य का नजारा ले रहे थे। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं जम्मू कश्मीर की आवाम का, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के इस दौरे को उन्होंने एक ऐतिहासिक, एक यादगार दौरा बनाया। और जिस प्रकार रजौरी और बारामूला के अंदर एक जन सैलाब उमड़ कर आया, ये जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाली तस्वीर है। रजौरी की जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की रैली हो या बारामूला के अंदर हुई रैली में जिस प्रकार लोगों ने अपनी पार्टिसिपेशन की, जिस प्रकार लोग रजौरी और बारामूला की रैलियों में शामिल हुए, ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है। और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा किए गए जो डेवलपमेंट के काम हैं,
जो लोगों की भलाई के काम मोदी सरकार कर रही है ये उसी का परिणाम है। और भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार पूरे जम्मू कश्मीर के चारों दिशाओं में। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हर वर्ग की चिंता की है, चाहे गांव के लोग हों, शहर के लोग हों, पहाड़ के लोग हों, मैदान के लोग हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जम्मू संभाग के रहने वाले देशभक्त डोगरा समाज के लोग हों या हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले वादिये कश्मीर के हमारे भाई बहन हो, जिस प्रकार मोदी साहब ने हर सेक्शन का भला किया है, मोदी साहब ने हर शख्स की चिंता की है, हर इंसान की खिदमत मोदी साहब ने की है, ये उसी का परिणाम है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चारों दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी के झंडे बड़ी शान से लहरा रहे हैं और फहराए जा रहे हैं। जो पिछले 70 साल के अंदर यहां जिन सरकारों ने राज किया उनकी देन बहुत सारी समस्याएं, पुरानी सरकारों की नीतियों के कारण यहां बहुत सारी समस्याओं को जन्म दिया गया, लेकिन एक एक करके इन सभी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हर समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। माननीय गृहमंत्री जी ने स्वयं रजौरी और बारामूला की रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि 70 साल का आंकड़ा और 2019 के बाद 3 साल का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आपको खुद नजर आएगा कि मोदी सरकार ने पिछले 3-4 वर्षों के अंदर इतने काम किए हैं, इतने लोगों की समस्याओं का समाधान किया है जो 70 साल कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारें नहीं कर सकी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कल एक व्हाइट पेपर इशू किया कि उन्होंने क्या क्या काम किए। मैं मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को याद दिलाना चाहता हूं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आपकी हुकूमत हो या कांग्रेस की हुकूमत रही हो या पीडीपी की सरकार रही हो, 70 साल यहां पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजियों के अधिकारों का हनन हुआ, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, दलितों का हनन हुआ, वही गुज्जर और बकरवालों के अधिकारों का हनन किया गया, महिलाओं के अधिकारों का हनन 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की सरकार के अंदर हुआ। पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर हर वर्ग के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया गया। अब मोदी सरकार के आने से ये सारे दुख, कष्ट, तकलीफें, इनजस्टिस ये दूर किए जा रहे हैं। मोदी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जहां जो भी मसले हैं ये सब हमारे विचाराधीन हैं। 70 साल के अंदर जो गलत नीतियां कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के सरकारों की थी, उनके कारण, उनकी गलत नीतियों के कारण ये समस्याएं एक अंबार बन के आई हैं। एक एक करके इन सब समस्याओं का हम समाधान कर रहे हैं, इन बाकी की समस्याओं का भी समाधान हम करेंगे। यकीन करेंगे भाजपा नहीं को दिल्ली वीडियो जो है वो सफल नहीं होने देंगे, विरोध का आपको सामना करना पड़ेगा। जैसे सबकी समस्याओं का समाधान एक एक करके बारी बारी सबकी समस्याओं का समाधान होगा और ये समाधान भारतीय जनता पार्टी ही करेगी।